अलैकुम सामीन, 28 रबीउल थानी और 13 नवंबर है। खबर का उन्वान है, हैदराबाद में आग लग गई है जिससे 9 लोगों की मौत हो गई है। खबर तफसील से सुनिए। हैदराबाद के केमिकल गोदाम में लगी भीषण आग में अब तक 9 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई अफराद झुलस गए हैं। यह हादसा हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में हुआ है। यहाँ एक 4 मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर यह आग लगी है। आग की इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने इमारत में फंसे लोगों को महफूज तरीके से बाहर निकाला। जिनको बाहर निकाला गया है उनमें खातीन और बच्चे शामिल हैं। हैदराबाद के सेंट्रल जोन के DCP वेंकटेश्वर राव ने सहाफियों को बताया कि गोदाम की एक मंजिल में आग लगी है और यहाँ कार की मरम्मत चल रही थी। इस दौरान चिंगारी गोदाम में रखे केमिकल बैरल तक पहुँच गई और आग लग गई। देखते देखते आग ने इमारत की दीगर मंजिलों भी आग जा पहुँची और दीगर मंजिलों को अपनी लपेट में ले लिया और 9 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि जांच में ये भी निकल कर सामने आ रहा है कि इस इमारत में बने गोदाम में तेल के भी कई बैरल रखे गए थे, इस वजह से भी आग ने भीषण रूप ले लिया। हादसे की इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने यह बताया कि आग निचले इलाके में लगी है और अब वहां काबू पा लिया गया है और 20 लोगों को महफूज तरीके से बाहर निकाल लिया गया है। जिन लोगों को इस कसीर मंजिला इमारत से महफूज बाहर निकाला गया है उनमें एक छोटा बच्चा भी शामिल है।